जैन बताओ तो सही हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं। मजाक मत करो प्लीज बताओ ना। वक्त को रोकने जा रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि आंखों के बगैर कैसे देखे जाते हैं। आज हम सब तस्वीरों को आवाज दें। रात की प्याली में चांद की मिसरी डालें। पलकों में अटकी आंखें ख्वाबों में जाके खुलें। दिल के कुएं से सारी बातें निकालें। बहती हुई घड़ियों से एक पल चुरा लें। अपना बना ले। कुछ याद है? हाँ, ये वो गाना है जो तुमने FM पे लिखवाया था। लेकिन लिखा तुमने था? हाँ, पहले तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ आवाज थे, फिर देखते ही देखते इसी आवाज के जरिए ख्वाहिश को तस्वीर चाहिए होती है, वरना सच कभी दिखाई नहीं देता। तुम मेरा सच हो जैन, मुझे तुम्हें देखना है। सच किसी नजर का मोहताज नहीं होता। मैं तुम्हारा सच हूं और हमेशा रहूंगा। तो फिर ये अंधेरा कब तक हम दोनों से झूठ बोलता रहेगा? चलो हम एक काम करते हैं, अंधेरे से ना झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हम उसे ये कहते हैं कि हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, शायद तंग आके खुद ही भाग जाए। इसके बाद याद है? जाली नोटों से सच्चे पल खरीदें, ख्वाहिश की रेड़ी से मर्जी का खाएं और भाग जाएं। रात की किस्मत में सिर्फ गुजरना है। देखो मना, तुमने खुद कहा है ना कि रात की किस्मत में सिर्फ गुजरना है। गुजर जाने दो, यकीन रखना कि हम दोनों से मिलने के लिए इस रात के बाद आने वाला दिन हमारा इंतजार कर रहा है। सूरज बुझा के कहे एक ख्वाब जगाया है, रास्ता वही पकड़ा जो दिल ने बताया है। प्यार ने ये क्या कर दिया, सबसे और नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिसेस मनाव जैन इस वक्त एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में बैठी हुई हैं, और सबसे खास बात इसमें यह है कि उनके हस्बैंड ही उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं इस वक्त। जैन मुझे बताओ तो सही, कहाँ के लिए तैयार कर रहे हो मुझे? देखिए मिसेस मनाव, आप इस वक्त एक लाइव शो पे बैठी हुई हैं, आप उसे बताएं आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बोर्ड। बोर्ड क्यों? आप तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आप बोर्ड कैसे हो सकती हैं? क्योंकि मेरा शौहर इस वक्त अपनी मासूम बीवी को ये नहीं बता रहा कि उसे कहाँ लेकर जा रहा है, और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम कहीं चोरी करने जा रहे हो। देखिए बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपका शौहर ना आपसे ज्यादा मासूम है, क्योंकि आपके इश्क में वो इतना गुम है कि उसे अपनी भी समझ नहीं होती। लिपस्टिक लिपस्टिक ये जैन क्या से क्या कर रहे हो? पहले मुझे बताओ कोई दावत है, क्या है, कहाँ जा रहे हो? हाँ इवेंट पे जा रहे हैं। मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने और मैं कैसी लग रही हूँ? और तुम मेरे फेस पे कोई मेकअप का एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे? बताओ मैंने तुम्हारा मेकअप कैसे किया? सुनो फिर
मैंने सुबह की किरण से सोना उठाकर उसमें 9 शबनम के कतरे डाले और तुम्हारा लाशान बना लिया, फिर गुलाब का बोर इकट्ठा करके उसका फेस पाउडर बनाया, फिर लिपस्टिक क्योंकि जरा कंट्रास्ट में लगानी थी इसलिए मैं सुबह के बजाय शाम के पास किया। मैंने शाम से कहा कि शाम प्लीज मेरी प्यारी सी बीवी के प्यारे होंठों के लिए शाम की लाली का कोई रंग ही दे दो, लेकिन शाम ने मुझे साफ इनकार कर दिया। शाम ने कहा कि भाई जान, मैं आपकी बीवी के होंठों से ही तो लाली चुरा के लाती हूं। लेकिन शाम ने मुझे बात ना जरा प्राइवेटली कही थी, तुम्हें किसी से मत कहना। फिर और आए शायरों के लिए मैं तुम्हारे ख्वाबों के समंदर में डूबा, रेनबो निकाला और कट पेस्ट करके तुम्हारी आंखों में लगा दिया। और काजल के लिए, काजल का अंधेरा तो बहुत है मेरे पास। नाल सर, I'm sorry, काश तुम मेरी नजर से देख सको, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तुम मेरे वो ख्वाब भी पूरे कर रहे हो जो मैंने देखे भी नहीं थे, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तुम्हें देख तक तो नहीं सकती। मनाल, मैं तो देख रहा हूँ ना, तुम्हारी मोहब्बत इतनी सेल्फिश क्यों हो गई है, खुदगर्ज क्यों हो गई है, ये सिर्फ अपना ही सोचती है। मोहब्बत हो और खुदगर्ज ना हो, तुम्हें पता है जैन, जब मैं देख सकती थी मुझे तब भी तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने मेरी मोहब्बत को और खालस करने के लिए मुझसे मेरी नजर छीन ली, ताकि मैं सोच और नजर दोनों में खयानत ना कर सकूं। मनाल, मैंने तुम्ही से तो मोहब्बत करना सीखा है। अमानत में खयानत दूसरे करते हैं, अमानत खुद नहीं कर सकती। हाँ बस पहुंच गए हैं। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बहुत प्यारी लग रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मनाल, तुम ठीक हो? मनाल ठीक हो? पूछे इससे क्यों की शादी एक मजदूर से? मनाल क्या हो गया है, ऐसी बातें नहीं करते। तो और क्या कहूँ अफीरा, मेरी मोहब्बत मुझे मजबूर करती है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। एक सजा बन गई है ये मोहब्बत। जिस शख्स के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ उसी के आगे एक कशकोल लेकर खड़ी हो गई हूँ। तुम्हें किस जबान के किस लफ्ज से समझाऊं कि ऐसा मत सोचो। देखो ये सब वक्ती है, लोग बीमार होते हैं ना, फिर ठीक भी हो जाते हैं। मनाल तुम्हें मोहब्बत करने से कौन रोक रहा है? तुम जैन से तब भी तो मोहब्बत करती थी जब वो सामने नजर नहीं आता था, तो अब भी कर लो। बस ये समझ लो कि चंदनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये चंदनों की बात नहीं है, अभी सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा। मनाल जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना, मुझे लगता है जैसे तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन ही नहीं रहा। क्या कुछ नहीं करता मैं, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ आंखों तक ही थी? देखो मनाल, लोग अंधेरों में चलते रहते हैं, कोई अपना सफर रोकता नहीं है। जैन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए आंखें बंद करके। मोहब्बत तो वैसे भी आंखों पर हाथ रख कर ही होती है। जैन अभी तुम्हें आवाज दे रहा है,
आदमी बहुत जल्दी थक जाते हैं मनाल, ऐसा ना हो कि वो आवाज देना बंद करते। हाँ मनाल चलो चले। अरे क्यों, खाना? नहीं थैंक यू, खाना हम बाहर ही खाएंगे किसी अच्छे से फुटपाथ पे बैठ के। कशकोल तो है ना हमारे पास, है ना मनाल? हाँ। गिटार है तुम्हारे पास? ये गिटार कहाँ से बीच में आ गया? गोरों की तरह भीख मांग लेंगे ना, ताकि देने वाले और लेने वाले दोनों को बुरा ना लगे। इसी बहाने तुम्हारा नया गाना भी बन जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। नहीं रोती, वादा। पक्का वादा? हाँ। गुड, चलो चलो। चाय? हाँ मनाल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितनी मोहब्बत तुम मुझसे पहले करती थी अब उतना नहीं करते। मोहब्बत तो पहले भी सिर्फ मैं ही करती थी, तुम तो बस नहीं नहीं करते रहते थे। अच्छा फिर हाँ 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 भी तो मैंने की थी ना? हाँ, और वो लम्हा मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। सरप्राइज क्यों? तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए था। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी मर्जी नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वो यकीन अब कहाँ गया? अब तो यकीन और भी बढ़ गया है, इसीलिए मेरी तड़प भी बढ़ गई है। फिर अपने यकीन से कहो कि थोड़ा सब्र भी सीख ले। वैसे भी सब्र यकीन का दूसरा नाम ही है। मोहब्बत में इंसान का खुद पर इख्तियार नहीं रहता, जिसे तुम बेसब्री समझ रहे हो तो मोहब्बत की मर्जी है। मैं अपनी एल्बम का नाम मर्जी ना रख लूं? आइडिया बुरा नहीं है। तुम लिखोगी मेरे एल्बम के सारे गाने? मैं? हम्म, तुम अपनी मोहब्बत से कहना कि अपनी मर्जी बताती रहे और मैं इसे गाता रहूं।
क्या कहती हूँ माधा? माधा यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, हाँ नहीं लगता, नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। जैन एक घंटे से अंदर हो, कितनी देर लगाओगे? अभी तो शुरू किया मैंने, दो तीन गाने गा के निकलूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ क्या पहन कर जाओगे? यार क्या क्या मतलब क्या पहनना है, जो कल पहना तो वही पहन लूंगा। हद होती है यार, लोग कहेंगे कितनी कामचोर बीवी है इसकी। यार कम ऑन यार, कामचोर होने के लिए ना काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, अकल की जरूरत होती है। फिक्र नहीं करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बुरा मनाएगी क्या? मनाल मनाल चली गई। हेलो मनाल, कोई काम था मुझे बता देती, क्या कर रही हो? नहीं वो जैन की शर्ट इस्त्री करनी थी मुझे। लाओ मुझे दे तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। मनाल ये जैन की नहीं अब्बा जी की कमीज है। अच्छा तो मुझे प्लीज जैन की कोई शर्ट ला दो और इस्त्री लगा दो। मैं कर देती हूँ, मैं कह तो रही हूँ, तुम बैठ जाओ आराम से। नहीं मरियम, अंधेरों से फर्ज खत्म थोड़ा ही हो जाते हैं। तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? मरियम तुम प्लीज मुझे शर्ट निकाल दो और इस्त्री लगा दो। मैं यहाँ जैन के काम करने आई हूँ, उससे काम करवाने नहीं आई हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम, रुको मैं लेकर आती हूँ। वहां चल रहा है क्या? दिल से कम मनाल, जैन क्या मोहब्बत करने का हक सिर्फ कमल लोगों को है? क्या माजूर लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? पता था मुझे, खुद को ब्लेम करना शुरू हो जाओगी तुम। नहीं जैन, मोहब्बत मुझे रोक रोक कर बता रही है कि मनाल तुम माजूर हो। अच्छा अगर हो भी तो क्या मोहब्बत नहीं कर सकती? तुम देख नहीं रहे मेरी मोहब्बत का अंजाम? मनाल ये सबके साथ होता है, आंखों वालों के साथ भी होता है। काश मोहब्बत अंधेरों की तरह होती, आंखों से भी दिखाई देती। नजर आ जाती है अगर तुम देखना चाहो तो। सैन मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, उसने ऐसे वक्त पर मेरे साथ ये कर दिया। मनाल तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया ना? अब जो शर्ट तो मेरी स्त्री कर रही थी ना, अपने पहले कॉन्सर्ट पे मैं पहनूंगा।
ओके? और तुम्हें पता है कि मैं गाना क्या गाऊंगा अपने पहले शो पे? बताता हूँ। वही गाना जो कि तुम मेरे लिए बनाओगी। यार ज़ैन, बेटा अगर मनाल का दिल कुछ काम करने को करता है तो उसे करने दिया कर। मैं तो कहता हूँ अब्बाजी, मना थोड़ी करता हूँ उसे। देख बेटा, मोहब्बत करने वालों के दिल की बेचैनी बातों से खत्म नहीं होती, उसका दिल करता है तेरे लिए सब कुछ करने को, पर बेचारी मजबूर है। लेकिन अब्बा जी, जब उसका कोई काम करने को बहुत दिल करता है और अगर उससे नहीं हो पाता तो फिर उससे अपनी माजूरी का एहसास और होता है और ये ज्यादा नुकसानदेह। और पगले, मोहब्बत जब मजबूर हो जाती है तो और ज्यादा सच्ची हो जाती है। तूने देखा नहीं सूफिया कैसे जंगल बेलों में ढूंढते फिरते हैं अपने पिया साईं को? मजी, वो तो ठीक है, लेकिन मनाल के अंदर ये माजूरी का एहसास ये खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये काम किसी ने बाहर से आके करना है क्या है? बेटा तुम्हें ही करना है ना, बल्कि हम सब ने मिलके करना है। आपी, इनाल आपी आपकी तरह चली तो नहीं जाएंगी क्या? क्या हो गया तुम्हें? तलाक के बाद जाते तो नहीं ना शादी की तरह कहीं? नहीं हमजा, ये सब जिंदगी के रंग है, लोग आते जाते रहते हैं। आपी, एक बात पूछूं? पूछो। सब ये क्यों कहते हैं कि आपने मीनाल आपी को अंधा कर दिया? आओ मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। एक बात याद रखना, जिंदगी में अपनी मर्जी कर, क्योंकि अगर तुम दूसरों की मर्जी पर चलोगे तो इसी तरह लोग तुम्हारे बारे में भी बातें करेंगे। कुछ समझ आए? अब जल्दी से अपना होमवर्क कर लो, फिर बाहर चलेंगे आइसक्रीम खाने। चलिए गो। उठो, हम बाहर जा रहे हैं। क्यों? खैरियत है? उठो ना, अभी सवाल ना पूछो, चलो उठो। कहाँ जा रहे हैं लेकिन हम? हाल सवाल बाद में करना, चलो ये ले आ जाओ। अच्छा वक्त क्या हो रहा है? वक्त 2 बज रहे हैं, चलो आ जाओ। लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक, चलो।
हम कहाँ हैं जैन? बस तुम आओ, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो जैन, कुदरत ने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल करके मेरे से अधूरा कर दिया। तो मनाल, तुम उसे फिर से मुकम्मल कर दो ना। नहीं, अब तुम इसे मुकम्मल करोगे अपने गानों से। तुम पूरी दुनिया को बता दो कि जब मोहब्बत गाती है ना तो वक्त भी ठहर कर सुनता है। मुझे वादा करो अब तुम गाओगे, सिर्फ गाओगे। नहीं मना, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। जो करना है अब तुम करोगी। तुम्हें डरने से फुर्सत मिले तो मुझे और गवा लेना। शर्ट देखकर बताओ इसका कोई बटन टूटा हुआ तो नहीं है? मैं इधर हूं। अब प्लीज ये शर्ट देखोगी एक दफा? एक मिनट। हाँ, इसका बटन टूटा हुआ है। अच्छा, तुम प्लीज मुझे एक सुई में धागा डालकर दे दो और एक दो बटन। ये बैठो, इधर इधर बैठो। बटन बटन। हाय मेरी भाभी, काश जिंदगी भी इतनी आसानी से सुल सकती। एक बार मोहब्बत मिल जाती है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। मोहब्बत? जब मोहब्बत मिलती है तो सब कुछ खत्म कर देती है, इंसान को खाली कर देती है, क्योंकि इसे अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। डर लगता है मुझे मोहब्बत से। ये इब्रत कहीं तुम्हें मुझे देखकर तो नहीं मिली? पता नहीं, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत के मानी बहुत मुख्तलिफ हैं। एक ऐसा बेमतलब लफ्ज़ जिसे हर कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है।
जैन अपनी एल्बम पर काम कर रहा है। अच्छी बात है, उसे अपना करियर शुरू करना चाहिए। मैं तो बस इसी बारे में सोचती रहती हूँ। और वो हर वक्त तुम्हें सोचता रहता है। आउच! क्या कर दिया मनाल? इधर दिखाओ, लाओ। कह रही हूँ तुम्हें सब करने की क्या जरूरत? नहीं, ठीक है मरियम, छोड़ो। मनाल, इतना खून निकल रहा है, सारी शर्ट पे खून के बटन्स लग गए हैं। शर्ट खराब तो नहीं हो गई है? तुम उसकी फिक्र मत करो, सुन लिया करो ना किसी की। मोहब्बत के इजहार के और भी बहुत तरीके हैं, सिर्फ यही नहीं। क्यों खुद को और दूसरों को अजाब में डालती हो? माना कि तुम्हें इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम माजूर बिल्कुल भी नहीं हो, समझी? तो माजूर होना और क्या होता है? मुझे सिर्फ तुम्हें हासिल नहीं करना था, तुम्हारे साथ जिंदगी मनानी थी। पहले ही दिन तुम्हारे सारे टूटे हुए बटन्स लगाने थे, तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री करने थे, सारे गुमे हुए मोजे ढूंढने थे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। मनाल, तुम चाहोगी तो सब कुछ हो सकेगा। इस तरह के हमें अपनी आंखें बेकार लगने लगेंगी, लेकिन अफसोस की बात है, तुमने अपनी मोहब्बत पे भरोसा ही नहीं रखा। हाँ तो मोहब्बत के भरोसे को कभी कॉपी पर लिखने को भी तो जी करता है, फिर उसकी तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरने को भी तो दिल करता है। मनाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, खुदा ने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया ना। उसी ख्वाब की ताबीर को तो देखना था मुझे। देखो मना, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी का आगाज भरोसे के साथ, हौसले के साथ, एतमाद के साथ रखें। जैन, प्लीज तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। मैं अगर कभी टकराऊं या गिरूं तो मुझे उठाने मत आना। मैं नहीं चाहती कि मुझे सहारे की आदत हो जाए। मैं आपको माजूर नहीं समझना चाहती जैन, तो तुम्हारे काम करना चाहती हूँ, तुमसे काम लेना नहीं चाहती। अच्छा बस, अब ये रोना बंद करो और मुझे कुछ खिला दो, बहुत भूख लगेगा। मरियम, मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों सजा मिली है? मैंने तो कभी वहां उनको कुछ कहा भी नहीं था। जानता हूं मैं, उस समय मोहब्बत की सजा मिल रही है। अब्बा जी को बता दो प्लीज। मैं इरफान से बदला लेना चाहती हूँ।
उसकी इस हरकत का उसे जवाब देना चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं मरियम, अभी नहीं। अब्बा जी को पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। तुम्हारा बदला मैं लूंगा इरफान से, बस तुम प्लीज अपनी कसम वापस ले लो। मुझे तुम्हारी ये तकलीफ अब बिल्कुल नहीं देखी जाती। लोगों के सामने हर वक्त तुम्हें झूठी मुस्कुराहट सजानी पड़ती अपने चेहरे में। तुम मानोगे नहीं लेकिन इस सब की वजह हमारी मोहब्बत ही तो है। ऐसा मत बोलो जैन, जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ इरफान है। तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं आइंदा नहीं रोऊंगी। लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा जैन, अपने लिए, इस घर के लिए, प्लीज।